होप यू ऑल आर गुड। आई एम लता मैम फ्रॉम प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 1 चीता स्टीयर। ओके, आवर टॉपिक इज चीता स्टीयर, यानी कि चीता के आंसू। इसका हमने एक पार्ट देखा था। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 2। हमने देखा था कि एडी ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो एक कप को, जो चीता के दो बच्चे थे उसमें से एक कप को वो पकड़ेगा और उसे ट्रेन करेगा, यानी कि तालीम देगा कि शिकार वो करे और उसके लिए शिकार ला करके दे। ओके, तो उसके आगे हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से आगे इसकी स्ट्रेटजी बनाता है। ही डिसाइडेड टू फॉलो कप्स एंड स्टील वन फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। एडी न्यू दैट चीता नेवर अटैक्स अ मैन। तो उसने डिसाइड किया कि एक कप को वो चुरा लेगा, उसका पीछा करेगा और उसको चुरा लेगा। और उसके एक्सपीरियंस से, यानी कि उसका जो भी अनुभव था, उसके अनुभव के अनुसार वो जानता था, एडी जानता था कि जो चीता है वो कभी भी किसी व्यक्ति पर अटैक करते नहीं है। देयरफॉर इट वॉज सेफ टू स्टील अ कप। तो इसीलिए कप को चुराना, चीता के बच्चे को चुराना ईजी रहेगा, सरल रहेगा और सुरक्षित रहेगा। He followed the cheetah family till evening. उसने शाम तक उस चीता फैमिली का पीछा किया। At last, at the sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush and left for a swim. तो शाम जब हो गई थी तो उसकी जो मदर थी चीता, उसने क्या किया, अपने बच्चों को वहाँ पर जो बुश थी, यानी कि जो झाड़ी थी, घनी झाड़ी थी, यानी घना, तो घनी जो झाड़ी थी वहाँ पर छुपा दिया और खुद झरने के पास गए। ओके, क्विकली द हंटर पिक्ड अप हिज नेट। तो शिकारी ने क्या किया, तुरंत ही अपना नेट उठाया, अपना जाल उठाया एंड स्पेयर, उसको फैलाया, स्पेयर यानी फैलाना, एंड रन इनटू द बुश, और झाड़ी की तरफ दौड़। ही सो टू टाइनी कप्स, वहाँ पर उसने दो छोटे बच्चे देखे चीता के। दे लुक्ड एट हिम विद देयर ब्राइट आईज, वो उसकी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देख रहे थे। दे वर टू यंग टू रन अवे, बहुत ही छोटे थे इसलिए वो वहाँ से भाग नहीं सके। एडी थ्रू द नेट ओवर देम, तो एडी ने उनके ऊपर नेट, जो जाल था उसको फेंका, एंड द कप्स वर कॉट, और जो चीता के बच्चे थे वो पकड़े गए। ही नीडेड ओनली वन बट ही थॉट, उसे सिर्फ एक ही चाहिए था, लेकिन उसे सोचा, इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव टू स्लेव इंस्टेड ऑफ वन। उसने खुद सोचा कि एक गुलाम होने से तो बेटर ही ना मेरे पास दो दो हो जाए। ही ड्रैग्ड विद देम विद हिम एंड हाइड देम अंडर अ बिग बास्केट। तो क्या किया उसने, उन दोनों को घसीट के अपने साथ ले गया और अपने पास वहाँ पर एक बड़े बास्केट में दोनों को छुपा दिया। द मदर चीता रिटर्न आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, कुछ क्षण के बाद जो मदर चीता थी वो वहाँ पर वापस आती है। शी डिड नॉट फाइंड हर क्यूब्स, उसे वो अपने बच्चे वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। शी लुक्ड ऑल अराउंड, वो चारों तरफ देखती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकम्स एंग्री, सबसे पहले तो वो बहुत ही गुस्सा होते हैं उसे उसके बच्चे दिखते नहीं है। एंड जंप वाइल्डली, और जंगली तरीके से बहुत ही जोर से कूदती है। She sneezed all around, चारों तरफ सूंघती है, but alas, लेकिन दुख की बात, she could not find her dear babies, लेकिन वो अपने प्यारे बच्चों को खोज नहीं पाती, यानी कि कहीं पर भी उसके बच्चे उसे मिलते नहीं हैं। At last, she became sad, और अंत में वो उदास हो जाती है, and started crying, और रोना शुरू कर देती है। She cried and cried the whole night till the next, पूरी रात वो रोती ही रहती है और दूसरे दिन शाम को हो जाती है। ओके, पूरी रात होती है, पूरा दिन होती है और शाम को देखो। सी क्राई एंड क्राई अंटिल हर टीयर्स मेड डार्क स्टेन डाउन हर चीक्स, वो इतना रोई उसके रोने की वजह से, उसके आंसुओं के वजह से उसके चीक्स के ऊपर, उसके गाल के ऊपर काले धब्बे बन गए। सी वॉज स्टिल लिपिंग, अभी भी वो रो रही थी, लिपिंग यानी सूसकना, ज़्यादा रो लेते हैं तो उसके बाद जो सुसकने वाली आवाज आती है उसको कहा जाता है पीपिंग। एट नाइट द मदर चीता क्राइड सो लाउडली, और रात के समय में जो मदर चीता थी बहुत ही तेजी से रो रही थी। दैट सी वॉज हियर्ड बाय अ वाइज मैन लिविंग इन द विलेज, तो जब वो रो रही थी तो उसके रोने की आवाज गांव में एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग
बची जाए तो सारा प्योर हो रही है. ही इमीडिएटली टूक हिज स्ट्रॉन्ग क्लब एंड केम आउट ऑफ हिज थर्ड. तो तुरंत ही उन्होंने अपना मजबूत जो क्लब था, भाला था, उसे उठाया एंड केम आउट ऑफ हिज थर्ड, और उसके जो झोपड़ी थी उसमें से बाहर आया. दिस ओल्ड मैन शानो वॉज वेरी वाइज. तो ये जो वृद्ध व्यक्ति थे वो कौन थे? शानो थे, और वो बहुत ही समझदार थे. He loved animals and knew all about them. वो प्राणियों से बहुत ही प्रेम करते थे और उनके बारे में सब कुछ जानते थे. अब देखते हैं कि जो शानो है, जो वाइस मैन है, वो आगे क्या करते हैं. ओके, ये जो मदर चीता को उनके बच्चों से किस प्रकार से मिलवाते हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे.